नवतपुर शर्मिरा पाट के रुस्तमगंज गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को गोलियों से भून डाला, जहां प्रधानाध्यापक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, मृतक व्यक्ति की पहचान नवतपुर थाना क्षेत्र के ममरेशपुर गांव निवासी महेश मोची के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची नवतपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद अपने बाइक से नौबतपुर प्रखंड के शहर रामपुर गांव स्थित हाई स्कूल से ड्यूटी खत्म कर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने रुस्तमगंज गांव के पास पहले बाइक में चक्कर मारी और फिर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जहां प्रधानाध्यापक की मौके पर ही मौत हो गई। फुलवारी शरीफ सहायक पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने बताया कि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। निधि सिंह के साथ नौबतपुर से आनंद मोहन की रिपोर्ट। आज दिनांक 1 फरवरी को शाम को 6 बजे नौबतपुर थाना अंतर्गत सूचना मिला कि ग्राम ममरेजपुर के रहने वाले महेश मोची, जो अपने स्कूल फतेहपुर कायापुर में कार्यरत हैं, अपने घर जा रहे थे और उसी क्रम में अज्ञात अपराधियों द्वारा जो बीटा सरमेरा हाईवे है उसके ऊपर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना के उपरांत तुरंत थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया एवं शव को अपने कब्जे में लेके एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वे पारिवारिक जो है कारणों की वजह से उनकी जो दुश्मन है उनके द्वारा हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान में FSL और जो बैलिस्टिक टीम है, एक्सपर्ट है, उनको बुलाया जा रहा है। साथ ही इस घटना के संदर्भ में जब पुलिस द्वारा यहाँ पर शव को कब्जे में ले जाने के बाद जब घटनास्थल को सुरक्षित किया जा रहा था, तो आसपास के गांव वालों ने यहां पर जो है भीड़ इकट्ठा की और उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नारेबाजी करते हुए राहगीरों की कुछ गाड़ियों को भी पत्थर चलाए, जिससे कुछ राहगीरों की गाड़ियों में शीशों में और अन्य जगह पे क्षतिग्रस्त हुआ। इस संबंध में थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो अज्ञात है उनके खिलाफ शिनाख्त की जा रही है।